हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशमीत ऑफिशियल। मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज है नवमी और आज होगी बहुत सारी तैयारी। आज लास्ट डे है माँ का, तो आज नौ कन्या को भी खिलाया जाएगा, बहुत सारे पकवान बनेंगे। फिलहाल तो अभी मेड नहीं आई है, तो घर की सफाई करनी है। भाभी भी नहा चुकी है, गई है पूजा करने। सबसे पहले भाभी ही उठी है, अभी 5 बज रहे हैं, मतलब भाभी लगता है 4:30 बजे उठ गई होगी, क्योंकि पंडित जी भी बोले सुबह सुबह आएंगे, हवन आज होगा, आज बहुत कुछ होगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, यहाँ मैं अपने रूम क्लीन कर रही हूँ। पतिदेव का तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो ये कम्बल वो ही ओढ़ते हैं। उनका फीवर अभी भी नहीं उतरा है, उन्हें डेंगू हो गया है। तो यहाँ उन्हें दूसरे रूम में मैंने शिफ्ट किया और रूम को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, किचन मैंने साफ़ किया, चूल्हा वूल्हा अच्छे से पोछ लिया, क्योंकि नौकनिया का भोजन बनना था। वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, फिर भी मैंने एक बार फिर से पोछ लिया, क्योंकि नौकनिया का भोजन बना था तो काफ़ी साफ़ सुथरा में ही बनता है। उसके बाद रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने उसे भी अच्छे से धो धा के साइड कर ली और किचन को अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि नौकनिया का भोजन बिना नहाए धोए नहीं बनता है। वैसे तो मैं उपवास पे ही हूँ, 9 दिन के उपवास पे, बट भाभी गई थी नहा ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी नहावा लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाया जाएगा। तो किचन यहाँ साफ़ करके मैं चली गई थी नहाने। सो गाइस, मैं अभी नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, अभी जाऊँगी खाना वाना बनाऊँगी। पूजा वूजा, पूजा तो अभी नहीं होगा, पंडित जी आएंगे तब होगा, बट हाँ जो भी काम है करूँगी। बकरी के दूध पीते हुए मेरे पति देव बेचारा। तो यहाँ पतिदेव बकरी का दूध पी रहे हैं, रोज़ सुबह शाम पीते हैं, क्योंकि डेंगू में बकरी का दूध काफ़ी अच्छा होता है, दवा से भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब बताइए आज बकरी के दूध की इतना ज़रूरत पड़ रहा है। सो यहाँ भाभी बना रही है खाना, भाभी चना आलू की सब्जी बना रही है। भाभी 4 बजे से उठी हुई है, अब मेरे से पहले भाभी रेडी है। पहले बार भाभी नौ कन्या का खाना बना रही है। नहीं भाभी, इधर खीर बनाने की तैयारी चल रही है। दूध वैसे निकालिए भाभी, फिर ऊपर से लाएंगे। अच्छा, ये तो दूध ना लीजिए। हाँ, 1.5 किलो था। हमारा 100 ग्राम तो की चावल रख लीजिए, चावल बने ना। भाभी ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो आप तब तक पूजा रूम साफ़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ आ गई पूजा रूम साफ़ करने के लिए, पूरा सफाई कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये आज लास्ट है, जो 9 दिन से रूटीन बना हुआ है सुबह सुबह उठकर नहा धोवा कर पूजा घर साफ़ करने का, पूजा करने का, वो कल से रूटीन चेंज हो जाएगा। थोड़ा मन दुखी हो रहा था, थोड़ा मन उदास हो रहा था, बट क्या ही है, फिर अगले साल फिर माता रानी आएगी और फिर से ये सब फिर से दोबारा होगा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई। बनाने का स्टाइल देखिए, थक गई है तो सिलाप पर बैठ के बना रही है। तो यहाँ बन रहा है हलवा, खीर बन चुका था तो हलवा बस थोड़ा सा ही। हमारा किचन का टूर बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कैसा बना है हम लोग का किचन, है ना भाभी, बहुत जल्द देख लाएंगे सब सेटअप हो जाने के बाद। अभी तो बस नवरात्रा का ही खाना इसमें बनना स्टार्ट हुआ था, सब सेटअप हो जाएगा तो बहुत जल्द आएगा। ये
तुम्हारी रहे तो बने सब का जन तेरे लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मेरे माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो मत गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो मत गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। पूजा हमारा संपन्न हुआ और हो रही है हवन की तैयारी। छत पे ही हम लोग हवन कर रहे हैं। बेचारी दीदी कितने साल बाद आज पानी छींक रहे हैं। जय माता दी। मेरा भी नहीं है पानी। देखिए भैया सफाई कर रहे हैं। ठीक है ना पापा आप पानी छींक दे। ना ना बच्चे को चाहिए ना फिर घी भाभी चलो हो गया। बहुत छोटा हो जाएगा और बड़ा बनाइएगा तब ना होगा। चलिए ठीक है हो गया। हो गया बाबू हो गया। लाओ 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 इधर लाओ। इतना मेहनत से ले लाओ जितना सब ले आओ जाओ। चलिए फूल हो गया और अच्छा ना करिया कैसे हो जाएगा। नहीं लगा है कौन सा। आप तो गोरा है आप बहुत सुंदर है थोड़ी सुंदर धूप। Hare Ram Jai 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 Ram
ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे रोक रही हूँ इसे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कन्या पूजन और माता रानी की विदाई दोनों देखने को मिलेगी। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को जो भी कोई नया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।